इसराइल और हमास के बीच भयंकर जंग छिड़ गई है। 7 अक्टूबर के बाद से इसराइल और गाजा पट्टी से कितने ही लोगों के मारे जाने की खबरें आ रही हैं। जहां कई लोग और परिवार महफूज रहने के लिए सुरक्षित जगह ढूंढ रहे हैं, वहीं कई लोग ऐसे भी हैं जो अपने घर और अपनों को बचाने के लिए जान की बाजी लगाने को भी तैयार हैं। बुजुर्ग हों, युवा हों या बच्चे, हर कोई अपने घर परिवार को इस मुश्किल घड़ी में सुरक्षित देखना चाहता है। महिलाएं भी पीछे नहीं हैं। 7 अक्टूबर को इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने जंग का ऐलान कर दिया था। ये वही काला दिन था जब हमास ने इसराइल पर 5,000 से ज्यादा रॉकेट दागे थे। इस हमले के कारण कई मासूमों की जान चली गई थी। जानकारी के मुताबिक हमास गाजा पट्टी से ऑपरेटिव है। इसराइल और गाजा सीमा पर भयावह जंग जारी है। इसराइल की डिफेंस फोर्सेस लगातार हमास के ठिकानों को तबाह करने की कोशिश में जुटी हुई है। लगातार दोनों ओर से अटैक किया जा रहा है। आम लोगों ने भी अब हमास को ईंट का जवाब पत्थर से देना शुरू कर दिया। 10 अक्टूबर के बाद से एक इजरायली महिला का जिक्र किया जा रहा है। उन्हें इजरायल में हीरो माना जा रहा है। इजरायल मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने एक महिला की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। महिला का नाम इनबेल लिबरमैन बताया जा रहा है। इजरायल इंडिया ने भी एक्स प्लेटफॉर्म पर तस्वीर के साथ जानकारी साझा करते हुए बताया कि हमास के आतंकवादी हमले के समय इनबेल ने तत्परता दिखाई और सभी महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित जगहों पर इकट्ठा किया। कैप्शन में आगे बताया गया कि उन्होंने बहादुरी से लड़ते हुए 25 आतंकवादियों को मार गिराया। जानकारी के मुताबिक युवा महिला इनबेल लिबरमैन निरेम किबुत्स सुरक्षा की प्रमुख है। बताया जा रहा है कि जब हमास ने गाजा पट्टी से करीब 1 मील की दूरी पर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब 25 वर्षीय इनबेल ने सोल्जर की तरह सबकी सुरक्षा की। उन्होंने अपने इलाके में रहने वालों को बचाया। उस इलाके में निरअम समुदाय के लोग रहते हैं। इस समुदाय के लिए कहा जा रहा है कि यहाँ के लोगों ने अपने गाँव से हमास को खदेड़ दिया था। हमास के हमले के दौरान इनबेल लगातार हो रहे धमाकों की आवाज से चौकन्नी हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने बंदूक ताने रखी और हमास के आतंकियों के इलाके के आसपास आते ही शूट करने लगे। जंग के छठे दिन 4,000 से ज्यादा लोगों की जाने गई। 7 अक्टूबर को इस जंग का आगाज हुआ था। कहा जा रहा है कि इस दिन इसराइल में हुए कम से कम 50 वर्षों के इतिहास में सबसे घातक हमला हुआ। हमास के हमले के बाद इजरायली पीएम नेतन्याहू ने जंग का ऐलान कर दिया। हमास ने फिर से अटैक किया। इजरायल मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स सोशल मीडिया पर लगातार हमास की कट्टरता और क्रूरता से जुड़ी तस्वीरें पोस्ट कर रहा है, जिन्हें देखकर किसी का भी दिल दहल सकता है। जानकारी के मुताबिक हमास ने क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए लोगों के घरों में घुसकर परिवारों को खत्म कर दिया। बच्चे, बुजुर्ग और महिलाओं को भी मार डाला। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।